सुस्वागतम आप सभी का करता हूं मैं करदम रावल एक ऐसे YouTube चैनल के अंदर जहां पर आपको मिलेगा पूरा का पूरा UPSC और बैंकिंग एग्जाम्स का ज्ञान और करंट अफेयर का नॉलेज UPSC IAS एग्जाम्स YouTube चैनल। और आज इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स गिवन इन द ईयर 2018 फ्रॉम द पीरियड ऑफ अप्रैल टू अक्टूबर पार्ट टू। कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र की बात करें सिपोई वर्हमा पाल सिंह को यहाँ पर मिला है, मेजर आदित्य और स्लेन राइफलमैन औरंगजेब को यहाँ पर शौर्य चक्र मिला है, जो यहाँ पर इंडिया के अंदर बहुत ही बड़े डिग्निटरी अवार्ड्स होते हैं। शल्क सम्मान 2017-18 ऑर्गेनाइज हुआ, जहाँ पर सम्मान मिला है जावेद अख्तर, जो एक लिरिसिस्ट भी है और स्क्रीन प्ले राइटर भी है, काफी फिल्मों की स्क्रिप्ट भी इन्होंने लिखी है, अपने आप में खास है। ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल की यहाँ पर बात करें, जो थर्ड ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल हुआ है, जिसके अंदर बेस्ट एक्ट्रेस का जो रोल है वो बहुत ही उम्दा तरीके से भनीता दास ने जो विलेज रॉकस्टार फिल्म में किया है उसके लिए मिला है। बेस्ट फिल्म यहाँ पर न्यूटन है, जो अमित माशूरकर की है, जो न्यूटन है उसके लीड एक्टर थे राजकुमार राव, और ये भी एक इलेक्शन बेस मूवी थी। और यहाँ पर स्पेशल जूरी अवार्ड जो है वो फिर से विलेज रॉकस्टार, जो एक असमी मूवी है, इसको मिला है। रीमा दास जो है ये इसकी डायरेक्टर थी, ये भी बहुत ही ग्रेट मूवी रही इंडिया के अंदर। अब बात करते हैं डॉक्टर बी के मिश्रा नेम्ड 2018 डॉक्टर बी सी रॉय नेशनल अवार्ड, इनको मिला है मेडिकल पर्सन ऑफ द ईयर का, यानी कि भारत के 2018 के मेडिकल पर्सन ऑफ द ईयर है डॉक्टर बी के मिश्रा, जिनको मिला है डॉक्टर बी सी रॉय नेशनल अवार्ड, जो नेशनल अवार्ड होते हैं मेडिकल फील्ड के अंदर, इसके अंदर डॉक्टर बी सी रॉय नेशनल अवार्ड सबसे नंबर वन के ऊपर होते हैं। अगर बात करें विनर्स ऑफ भारतीय मानवता विकास पुरस्कार, तो यहाँ पर कई लोगों को पुरस्कार मिले हैं। युवराज सिंह जो क्रिकेट से बिलोंग करते हैं उनको इंडियन क्रिकेटर का अवार्ड मिला है। भारत के अंदर लो फील्ड के अंदर लॉयर्स जो काम करते हैं उसके अंदर प्रमिला नेसरगी और फ्लाविया एग्निस को यहाँ पर भारतीय मानवता विकास पुरस्कार मिला है। एक्टिविस्ट के अंदर देखे तो यहाँ पर बेजवाड़ा विल्सन को यहाँ पर अवार्ड मिला है। इकोनॉमिक्स के अंदर विवेक डेब्रॉय को अवार्ड मिला है। सोशल वर्कर उमा तुली को यहाँ पर अवार्ड मिला है। दलित राइट एक्टिविस्ट लेनिन रघुवंशी को मिला है ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के नाम के अंदर। प्रवीण पटकर को अवार्ड मिला है। ग्रीन डिजाइनर के अंदर अनीता आहूजा को और सोशल एंटरप्रेन्योर अतुल सतीजा को यहाँ पर अवार्ड मिला है। UEFA यानी कि जो फुटबॉल की फील्ड है उसके अंदर वर्ल्ड कप भी हुए और बाद में जो है अवार्ड सेरेमनी भी हुई, तो यहाँ पर लुका मॉड्रिक को यहाँ पर प्लेयर ऑफ द ईयर 2018 का अवार्ड मिला है। इसी के साथ देखें तो मिडफील्डर ऑफ द सीजन का अवार्ड भी लुका मॉड्रिक को मिला है। बेस्ट वुमन प्लेयर का अवार्ड जो है वो पनील हार्डर ऑफ डेनमार्क और वुल्फ्सबर्ग को मिला है। और बेस्ट गोलकीपर ऑफ द सीजन ऑफ UEFA अवार्ड मिला है केलर नवाज को। और बेस्ट डिफेंडर ऑफ द सीजन फॉर द ईयर 2018 UEFA अवार्ड मिला है सर्गियो रामोस को। और बेस्ट फॉरवर्ड ऑफ द सीजन का अवार्ड UEFA ने दिया है रोनाल्डो को। जापानी स्विमर जो थी बहुत ही खास परफॉर्मेंस रहा इनका एशियन गेम्स के अंदर, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर के अंदर उनका नाम यहां पर एनायत किया गया। इन्होंने 6+2 मेडल्स जीते, 6 गोल्ड 2 सिल्वर मेडल्स यहां पर जीते इसी अपने एथलेटिक परफॉर्मेंस की वजह से। रिकाको इके जो है जापान की है, इनको सबसे महत्वपूर्ण प्लेयर यानी कि मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड एशियन गेम्स के दौरान मिला। सानिया मिर्जा को यहां पर एक ऑनर से सम्मानित किया गया है, ऑनर्स बिहाइंड द ऑनर्स अवार्ड, तो ये आपको याद रखना है, ये कहीं पर भी पूछा जा सकता है इनमें से किन को यहां पर हीरोज बिहाइंड द हीरोज का अवार्ड मिला है। उड़ीसा के बहुत ही महत्वपूर्ण और नोटेबल पोएट शत्रुघ्न पांडव जो है इनको एक बहुत ही प्रेस्टीजियस अवार्ड के साथ सम्मानित किया गया है, सरला पुरस्कार। और ये जो है इनकी पोएट्री कलेक्शन जो है मिश्र द्रुपद के क्रिएटिविटी के ऊपर इनको ये अवार्ड एनायत किया गया है। इसी के साथ ऐश्वर्या राय बच्चन जो बिलोंग करती है बॉलीवुड को, इनको मिला है मैरिल स्ट्रिप अवार्ड फॉर द एक्सेलेंस, ये आपको याद रखना हो सकता है, कहीं पर भी पूछा जा सकता है। इसी के साथ अरुण चैनियाल जो एक इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट और प्रोफेसर है एट द यूनिवर्सिटी नेम्ड मिशिगन यूनिवर्सिटी, यहाँ पर
इनको अवार्ड मिला है आउटस्टैंडिंग इन्वेस्टिगेटर अवार्ड। इन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया है अपनी फील्ड के अंदर ये अपने आप में बहुत ही खास है और इसी के रिगार्डिंग कौन बनेगा करोड़पति में भी क्वेश्चन पूछा गया है। इंडियन बॉर्न स्टूडेंट जो है यंग स्कॉलर अवार्ड जीती है यूनाइटेड स्टेट के अंदर, इसका नाम है राजलक्ष्मी नंद कुमार। यहाँ पर इंडिया का नाम इन्होंने रोशन किया है। इसी के साथ सवाई सिंह शेखावत इनको एक हॉनर मिला है मीरा पुरस्कार राजस्थान सरकार की ओर से फॉर हिज पोएट्री और हिज राइटिंग, यानी कि सवाई सिंह शेखावत को पोएट्री और राइटिंग के नाम के ऊपर मीरा पुरस्कार दिया है राजस्थान सरकार ने। इस वीडियो के अंदर इतना ही, और अगर आपको वीडियो कंटेंट और एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करिएगा, कमेंट के अंदर अपने सुझाव जरूर से दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल से मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।